हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 82 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश है। डेट है इसकी 8 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपने जो पैकिंग चैप्टर है आपका उसका रिकैपिलेशन यानी उससे रिपीट में यानी उसका रिविज़न करेंगे। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर करिए। I will take my oath. I put it down on the chair. Sat George standing at the empty seat. यानी मैं अपना ये सामान रख लूँगा और वो चेयर पे बैठता है। जॉर्ज कहता है तुम चेयर पे बैठो और वो भी खाली सीट पे बैठ जाता है। I saw you do it myself not a minute ago. Said Harris. Harris कहता है ये मैं खुद कर लूँगा, मिनटों भी नहीं लगेगा, यानी एक मिनट का काम नहीं है ये। Then they started round the room again looking for it and they met again in center and started at one another. Most extraordinary thing I have ahead of, said George. So mysterious, said Harris. फिर दोनों सब राउंड रूम के चारों तरफ देखते हैं और सेंटर पे उन्हें एक चीज़ देखती है और वो कहते हैं ये तो बहुत extraordinary थी है जो मैंने आज तक सुनी है। तो जॉर्ज ये कहता है फिर हैरिस कहता है बहुत मिस्टीरियस है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। व्हाई दे हैज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिजेंटली। वेयर, कॉल्ड हैरिस स्पिनिंग राउंड। स्टैंड स्टिल यू कांट, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट ऑन द टी पॉट। मॉन्टमोरेंसी वॉज इट ऑल, ऑफकोर्स मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट द वे ऑफ स्वामेट। यानी मॉन्टमोरेंसी जो होती है वो सब में होती है। मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन लाइफ जो होती है वो एक फॉर्म होती है, वे होता है। इफ़ ही कैन स्क्विरम इन एनी वे वेर ही पर्टिकुलर इज नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थोन एट ही साइड देन ही फील्स हीज डे हैज़ नॉट बी वेस्टेड। अगर आप किसी को अच्छे से परफेक्ट बना दे और तो आपके दिमाग को भी लगेगा, आपको भी ये लगेगा कि हमारा जो दिन गया वो वेस्ट नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडीली फॉर एन आवर इज़ द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। यानी किसी के ऊपर स्टम्बल होना या किसी को स्टर्स करना किसी ने आर तक, तो ये एक हाईएस्ट एम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। व्हेन ही सक्सेस इन अकम्प्लिशिंग दिस हीज कॉन्सेप्ट बिकम क्वाइट अनबेरेबल। और जब वो इसमें अनकम्प्लिश हो जाती है वो एक कॉन्क्रीट बिकम्स जो होता है अनबेरेबल हो जाता है। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। व्हाई डिड हॉरिस जॉर्ज एंड हॉरिस है यूज़ द वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मिस्टीरियस। तो जॉर्ज एंड हैरी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मिस्टीरियस वर्ड क्यों यूज़ किया? तो जॉर्ज एंड हैरी ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मिस्टीरियस यूज डिस बटर के डिसअपीयरेंस यानी बटर जो था वो नहीं था इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा। नेक्स्ट है हाउ डिड जॉर्ज फाइनली फाइंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। तो जॉर्ज ने कैसे फाइनली जो वो ढूंढ रहा था उसे फाइनली कैसे मिला? तो उसे फाइनली मिला दे फाइनली गॉट द बटर फ्रॉम द बैक ऑफ हैरिस यानी हैरिस के एकदम पीछे मिला। हमने भी पढ़ा भी। नेक्स्ट है हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी मेक हिज डे यानी मॉन्टमोरेंसी ने उनका दिन कैसे बनाया? ही पुट हिज लेग इन टू द जैम उन्होंने जैम लेग जो था अपना पैर जैम के अंदर डाला एंड डिस्टर्ब द टी स्पून्स। ही ऑल्सो प्रिटेंड द लेमन्स वर रैट्स जो लेमन्स हैं उन्हें चूहे खा गए थे। एंड सो ही मेड हिज डे बाय प्लेइंग विद दैम और उनके साथ खेल खेल के उन्होंने अपना दिन बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ही इज कंसेड बिकम क्वाइट अनबेरेबल इसके लाइन को कमेंट करिए यानी समझाइए। तो उनकी जो एम्बिशन थी लाइफ में वॉज टू इरिटेट एवरीवन यानी सबको परेशान करना एंड गेट स्कॉल्डेड। ही इज कॉन्शियस बिकम क्वाइट अनबेरेबल व्हेन ही किल्स 3 लेमन्स थिंकिंग ऑफ देम एज रैट एंड स्पॉइल एवरीथिंग यानी उन्होंने देखा कि 3 लेमन्स को रैट्स खा चुके हैं यानी चूहे कुतर जाते ना और सब कुछ, तो फिर उन्होंने सोचा कि सब कुछ अब ख़राब हो ही चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ आपको जॉर्ज और हैरिस के बारे में एक्सट्रैक्ट से बताना है उनके क्या कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। तो जॉर्ज एंड हैरिस जो है वो नरेटर के ही फ्रेंड हैं विद वूम ही इज़ अबाउट टू गो टू ऑन ट्रिप जो उनके साथ ट्रिप पर जाएंगे। दे टर्न आउट टू बी वर्स पैकर्स फ्रॉम द देन द नरेटर अब वो अच्छे पैकर नहीं है, नरेटर ही सबसे अच्छे पैकर है। दे आर हाईली डिसऑर्गेनाइज क्लम्सी एंड फुलिश व्हेन इट कम्स टू पैकिंग जब वो पैकिंग करने आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लम्सी हैं, बेवकूफ़ हैं
और कुछ भी ऑर्गेनाइज से उन्हें रखना नहीं आता। दे प्लेस हैवियर थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ लाइट, वो भारी चीज़ें हल्की के ऊपर रख दे रहे हैं और जिससे वो ख़राब हो जा रही है और एक मैस बना दे रहे हैं, एकदम ख़राब चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एक्शन ऑफ मॉन्टेमरेसी फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो आपको एक्शन बताने हैं मॉन्टेमरेसी के इस एक्सट्रैक्ट में से। तो आप लिखेंगे मॉन्टेमरेसी वॉज अ फनी डॉग, ही केम एंड सैट। जो मॉन्टेमरेसी था वो एक फनी डॉग था जो आया बैठा थिंग्स पर जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जब वो पैक कर रहे थे। ही एम टू इंटरप्ट एवरीवन एंड गेट्स कॉल्ड इट फॉर इट। वो उसका एम क्या था कि वो सबको परेशान करे। नेक्स्ट है व्हाट इफ मॉन्टेमरेसी हैड नॉट कम इन बिटवीन। अगर मॉन्टेमरेंसी इनके बीच में नहीं आती तो क्या होता। अगर मॉन्टेमरेंसी इनके बीच में नहीं आती तो थिंग्स आर नॉट थ्रोन एट हिट साइड, यानी जो चीज़ें थी उनके सर पे नहीं फैलती और वो ये नहीं समझते कि उनका दिन जो है वेस्टेड गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज।